अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। दुआए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लवलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व आला अबैहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सात लैल व नहार वलीयम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम वाए नहता तुस्कनहु व रज़क़तवन व तुमत्तेउ फीहा तवीला। या रब मोहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मोहम्मद। दुआए मल की कायनात इस पाक ज़िक्र दा सदका जितने अज़ादार मेरे मौला दी पाक सैयदा दी स्पूड़ी च बैठे हो मालिक तुन कदम कदम ते नेकियां नसीब फरमाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद दी अजमत दा सदका बानी मजलिस भाई ज़ाकर आले मोहम्मद जौन अब्बास दी और जिस जिस अज़ादार मातमी मोमन इस पाक मिशन च हिस्सा मिलाया मालिक सब दी तौफीकात च इजाफा फरमा। अगर कोई अज़ादार मातमी मोमन किसी भी वजह तो परेशान है मेरा मौला उसकी परेशानी दूर फरमा। जितने हाजरीन तशरीफ फरमाओ अगर तुहाडे घर च कोई तकलीफ है मालिक को परेशानी तकलीफ दूर फरमा। अगर कोई बीमार ने मालिक उन्होंने से तो सलामती अता फरमा। मेरा मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत सदका मेरा मौला सन इस काबिल बना असी तुहाडी नालेन दा बूसा ले सकी। इस पाक जिक्र दा सदका जितनी भी झोलियाँ औलाद वास्ते सिकदियां मेरा मौला जिंदगी वाले अज़ादार बेटी अता फरमा। मेरा मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत सदका इस पाक जिक्र दे पाक वारिस दा जल ज़हूर फरमा। जितने सरकार दे हुबदार मातमी अज़ादार चाहते जो थोड़े ते मेरे मौला दी आमद हुए एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जान का हुक्म है तामील हो गई थोड़े जे वक्त सही है ज़्यादा ढेर सारा मैं सबक जनाब न सुनावना चाहना। 4/17 तो मैं नौकरी पाक का आगाज़ करना जी। जितने हज़रत अब्बास के मुरीद बैठे हो गल तुहाडे नाल है गल यू करदा भी जिदे घर उत्ते सखियां दा आलम नहीं हो सखियां दा आलम ला लवे ताकि हुसैनी होने का सबूत मिले पता लगे किसी अज़ादार का घर है। असं रोज़ सफ़र करने जिस अज़ादार मातमी मोमन के घर उत्ते हज़रत अब्बास का आलम नज़र आए अपनाइत महसूस होंगी और सखियां के आलम के घर के उत्ते होवन के मौज जात बड़े मेरा दिल ले 4/17 च एक मौजा दसा कि परचमे अब्बास पे फतवे लगाने वालों क्यों सबर के दामन हाथ से छूट रहे हैं। मेरे घर पे सजा देख के अब्बास का परचम बड़े बड़ों के रोज निकाह टूट रहे हैं। जिंदाबाद से मेरे घर पे सजा देख के अब्बास का परचम बड़े बड़ों के रोज निकाह टूट रहे हैं। हजरत अब्बास चुके बिस्मिल्लाह सही मौला तो उनसे तो सलामती अता फरम हसरत सैयदा नू अब्बास आदन पाक सैयदा सरकारी अमीरे कायनात नू वसीयत की आई भी मेरे बाद तुसी कलाबिया खानदान ने शादी करनी मेरी हम नाम मस्तूर हो सी जिस अल्लाह तुन पुत्र देना है जिदा नाम तुसा अब्बास रखना है। हसरत सैयदा नू अब्बास आदन बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने बैठे मौला दे अजीम मदा खान दुनिया तो चले गए नाशिक मीर साहब हजरत अब्बास की अजमत 4/17 पढ़ते होंगे कौन ने हजरत अब्बास वो आदि होंगे कि कबूलियत के मकान की मकीन होती है वही तो मुनफरद बेहतरीन होती है। वो आदिन के ज़ियारत रुखे अब्बास से हुआ मालूम दुआए सैयदा कितनी हसीन होती। सदके जावा जी आओ जी या अली भाजी कसीदा बिल्कुल मैं नवा शुरू किया नवा मौजू नवा कसीदा नवी गल जी वो भी पढ़ दें जी जी या अली कलम है जी सैयद आकाश बुखारी साहब दी सैयदादे कसीदा लिखिया हजरत अब्बास मैदाने करबला चाहन जंग करन नहीं आए फुरात दे किनारे आएन पानी लैन वास्ते। इस गल नूं ज़हन च रखिया जी सखी आएन पानी लैन वास्ते। एक शामी अगे वध्या उस हजरत अब्बास नूं आख्या बेशक कायनात है तुहाडी मगर अज फुरात ते ज़ाहरी कब्ज़ा है साडा असी चाहना है तो तुहानू पानी लभना है। शामी गल की हजरत अब्बास उसकी गल का जवाब नहीं दिता। सखियां फुरात दे पानी अल वेख्या पानी ने जिहड़ी हजरत अब्बास दे नाल गल की मैं जनाब नू कसीदा सुना रहा भाई नवी गल ना होवे बात तुसी दुआ बेशक ना देवे दात ते तुसी हर जाकर नू छोड़ी करके दिती है मेरा दिल ले मैं कोई नवी गल तुहानू सुनावा। सखी आए उस आख्या जी अज ये फुरात ते साडा कब्जा
असी चाहने तो तुहानू पानी लभना है। सखियां उहदी गल दा जवाब नहीं दिता। मेरे मौला फरात दे पानी हल वेख्या, पानी ने हज़रत अब्बास दे नाल जिहड़ी गल कीती, पहली सत्र तुसी वसूल कीती, बत कसीदा पढ़न दा लुत्फा सी। आको ते सत्र सुना लवीए बई। फरात हूं मैं है किस का डर के चुप रहूं मैं, अगर तू हुक्म दे बहू मैं हुसैन की तरफ बढ़ूं मैं। जिंदाबाद भाई, क्या कहने जी, बल्कि हैदरी थोड़ी इंदियां होवन। बिस्मिल्लाह से हैदरी। फुरात हूं मैं अगर तो हुक्म दे बहू मैं हुसैन की तरफ बढ़ू मैं। फुरात मैं है किस का डर के चुप रहूं मैं, अगर तो हुक्म दे बहू मैं हुसैन की तरफ बढ़ू मैं। बिल्कुल बोलो हैदरी। हजरत अब्बास फुरात दे किनारे ते आए, जिस वेले शामी आख्या अज जाहरी कब्जा साडा, गल सुनन वाली ने, अज जाहरी कब्जा साडा, असी चाहणा ते तुहानूं पानी लभणा है, दरियाए फुरात दा पानी। हजरत अब्बास नूं आखदे, मौला कायनात ते तुहाडी मलकियत, मैदाने करबला च मौला तुसीं चाहो जिन तुहाडी मदद नूं आवण, मलाइक तुहाडी मदद नूं आवण, मगर मौला मैं भी तुहाडी मलकियत, एक बारी मैनूं हुक्म तां दिओ मैं तुहाडे दुश्मनां दा किहड़ा हाल करना है। दरियाए फुरात दा पानी हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके आता है, उठूं मैं ऐसे जोश में उछल के मार दूं इन्हें। जिंदाबाद। तेरे समझ के बोल रहे हो भाई, पड़े इनगियां होवन। दरियाए फुरात दा पानी हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके आता, मौला एक बारी हुक्म तो दियो मैं तुहाडे दुश्मनां दा किहड़ा हाल करना है। दरियाए फुरात दा पानी हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके आता है, उठूं मैं ऐसे जोश में उछल के मार दूं इन्हें। उठूं मैं ऐसे जोश में उछल के मार दूं इन्हें, किनारों से ए बादशाह निकल के मार दूं इन्हें। कुफर के लश्करी जाग जाएं अभी, कुफर के लश्करी जाग जाएं अभी, मेरी हैबत से ही भाग जाएं अभी, मेरी हैबत से ही भाग जाएं अभी, लौट के न आए कभी, न पीछे की तरफ मुड़ू मैं के हाल हिल कब करूं मैं, जहां से उठ के आए हैं ये इन्हें वहीं पे भेज दो। जिंदाबाद भाई जान, मौला नियाज कबूल फरमाओ। हैदरी भाई क्या कह रहे जी, पढ़ीदियां वन। मेहरबानी जी मेहरबानी, सैयदा बड़ी सोहनी दुआ जी, अजीम अज़दार मेरे सामने तशरीफ, मौला तोड़ा बहाना कबूल फरमावन भाई। बादशाह दे मेंबर ते खलो के चलो अगली गल करदा। दरियाए फुरात दा पानी जिस वेले शामी आख्या ना ज़ाहरी कब्जा साडा, दरियाए फुरात दा पानी बड़े जोश च आके हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके दे, मौला तुहाडे दुश्मन तुसी जवाब नहीं देवना, जरा मैनूं हुक्म तां दिओ मैं तुहाडे दुश्मन दे किहड़ा हाल करना है। दरियाए फुरात दा पानी हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके दे, मैं मान दे कज़ाया भी जिस सख्त हो के मार दूं, मैं मान दे कज़ाया भी जिस सख्त हो के मार दूं, दुश्मन हुसैन को डबो डबो के मार दूं। जिंदाबाद भाई क्या कहने हैदरी। अगली गल बड़ी बाग कमाल, दरियाए फुरात दा पानी हजरत अब्बास दे पास मुखातिब होके आदा, मैं मान दे कज़ाया भी जिस सख्त हो के मार दूं, दुश्मने हुसैन को डबो डबो के मार दो, दुश्मने दी कभी सर उठाए न फिर, दुश्मने दी कभी सर उठाए न फिर, नाम बैयत कोई लब पिलाए न फिर, नाम बैयत कोई लब पिलाए न फिर, के वा
मार ये है पाए न फिर अजाब बन के हाँ गिरूं मैं तबाही हिल की वो करूं मैं लानतों की हिल के मुंह पर से आई खूब ही मलूम जिंदाबाद सही सदके जावां जी कमाल तवज्जो कमाल मयारे समात तुसी जियो मौला दे अज़ादार मातमी जीवन चलो एक दुआ ना मांग लवीए सैयद जिथे मैं खलोता जी हां लाओ सुन जदीद दौर दी जदीद दुआ मंगदे हां और जिथे मैं खलोता इथे खलो के मंगी दुआ वैसे भी कबूल हुंदी जे मौला दे मातमी अमीन च आखण जी आखो ते रल के दुआ एक मंगिए बई ए शान जेड़ा पंजा बारां दे गटावे ते शाला आउंदा कके नाल वे शान जेड़ा पंजा बारां दे गटावे ते शाला आउंदा कके नाल वे शान जेड़ा पंजा बारां दे गटावे ते शाला आउंदा कके नाल वे शान जेड़ा पंजा बारां दे गटावे ते शाला आउंदा कके नाल वे शान जेड़ा पंजा बारां दे गटावे ते शाला आउंदा कके नाल वे शान जेड़ा पंजा बारां दे कमी हो के सैयद सड़ावे ते शाला आउंदा कके नाल वे जिंदाबाद हैदरी जेड़ा कमी हो के सैयद सड़ावे शाला आउंदा हाय 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 मैं गल कीती जदीद दौर दी जदीद दुआ है जी जेड़ा कमी हो के सैयद सड़ावे शाला आउंदा मातम पे कभी कभी जंजीर पे फतवा सुन इश्क फतवों से दबाया नहीं करते तुझको भी अदावत है आजादारी से तो सुन ले गर्मा बुरी हो तो बताया नहीं मौला दे अज़ादार मातमी बैठे वो चेहरे बैठे जिन्हें औलाद नु मातम करना दस है मातमी ने बोले वक्त मन दुख लगना है बादशाह ने मेंबर तक लोके यो दुआ मंगना चलना समातमी है ए मातम ते सजनो दे पाज जदाए समातमी है ए मातम ते सजनो दे पाज जदाए समातमी है ए मातम ते सजनो दे पाज जदाए शब्बीर दे हर एक मातमी को खुद डेंदी सहन दुआए शब्बीर दे हर एक भवे मुफ्ती होवे भवे मुल्ला होवे भवे मुफ्ती होवे भवे मुल्ला होवे मातम दा मुल्क सत दूर खलोवे मातम दा मुल्क सत दूर खलोवे जेड़ा मातम ते फत वे चलावे ते शाला आउंदा कके नाल वे जिंदाबाद जेड़ा मातम ते फतवे चलावे शाला हुंदा तुसी जाकरां दा बड़ा इम्तिहान लैंदे हो मेरा दिल अज मैं तुहाडा इम्तिहान लूंगा ते साईं जी इम्तिहान उसे देना जेड़ा हाजर बैठा हो सी भाजी इक वली ने इशारा समझा ते लुत्फा सी इक वली ने इक वली दे आखण ते एक वली दा हाथ न पिया जिंदाबाद जिंदाबाद सही जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कितने वलियन सही त्रै वली अल्लाह वली रसूल वली और मोमन वली जिन्हें हालत रकूज जकात दी कुरान दे फैसले दे मुताबिक त्रै वली खुम्मे गदीर दा मकाम जहन च रखे जी बादशाह ने मिंबर ते खलो के वकार शरा जी यो दुआ मंगना चाहंदा खुम ते सरदार मोहम्मद ने सलाम दा मान वधाया है खुम ते सरदार मोहम्मद ने सलाम दा मान वधाया है सवलक साहब दे मजमे विच है दरदा हाथ दिखलाया सवलक साहब दे मजमे विच है दरदा हाथ दिखलाया वकार शरा
यार शिराजी सजदे विच जाके मंगे रोज दुआवां झोली फैला के मंगे रोज दुआवां झोली फैला के जेड़ा कुम वाले हाथ को लुकावे ते शालायों दा ककना रवे दियो जेड़ा खुम वाले हाथ को लुकावे शालाओं दा अकल से जब मावरा है इब्तदाए फातिमा सईदादे दे हुकम दी तामील च कसीदा पे पढ़दा अकल से जब मावरा है इब्तदाए फातिमा किस तरह समझेगा कोई इंतहाए फातिमा किस तरह समझेगा कोई इंतहाए फातिमा और मिंबरे अहमद से दावा जो सलूनी का करे उस अली को दे रही होती है राय फातिमा क्या कहने सही गल नहीं करता शेर ऐसे खूबसूरती ना लिखे गए हर शेर अपनी वजाहत आप कर सी एड्डा सुलझा और अजीम मजमा जहीन मजमा और इन्हें मैं खलो के गल्ला करा तो भी चंगी गल कोई नहीं मैं जनाब नू एक कसीदा सुना रहा पाक सैयदा दी अजमत उस तो बाद जिक्रे मुसाहिब मेरे इसी दी नौकरी तमाम मौला भाई जान दी ड्यूटी कबूल फरमाऊँ तोड़ा बाणा कबूल फरमाऊँ जिस जिस अजादार इस कार खैर चिसा मिलाए मेरा मालिक सब दी तौफीकात इजाफा फरमा अगर किसी अजादार मातमी दे घर कोई परेशानी मेरा मौला परेशानी दूर फरमा अगर कोई बीमार ने मालिक से तो सलामती अता फरमा जितनियाँ भी झोलियाँ इस वस्ती दे अजादार औलाद वास्ते सिख दिन मालिक सबनों जिंदगी वाले अजादार बेटे अता फरमा लो जी मैं तुहानू पाक सैयदा दी दहलीज दे सुना रहा मौजज़ात मौला दी कसम एडा सोहना सुनिया ने ना सारे दिन की मजलस आई मगर महसूस होया भी अजादार थकावट है ही कोई नहीं उदी वजह है कि अली के नाम की तासीर ही अनोखी है लबों पे आए तो रंगत निखार देता है और कभी ये नाम दारे नफस पे बस जाए जन्म जन्म की थकावट उतार देता है अली अली चमन चमन कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 तहरा पर बुलंद से बुलंद तर सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिह देखा है हुक्म दिता मिले सीधा शुरू किया बार बार आख रहे देखा है क्या देखा है रिस्क लेता हुआ इमामत को रिस्क लेता हुआ इमामत को सर झुकाता हुआ तहारत को सर झुकाता हुआ तहारत को तेरे दर पे ऐ ताहिरा बीबी मैंने रुकता हुआ नबूवत को दे सलावत हैदरी आओ सत्तर नाल सत्तर ला के बिस्मिल्लाह जी मौला लिहाजा कबूल फरमावे बिस्मिल्लाह बाबा हैदरी देखा मत तेरी बताते भी नज़्म कायनात को चलाते भी नज़्म कायनात को चलाते भी जो है सरदार सब मलाइक का बन के दर्जी उसी को आते भी दे आए हाय जिंदाबाद थोड़ी मार्फत नु सलाम थोड़ी अकीदत नु सलाम भाई क्या कहने भाई क्या कहने जिंदाबाद आजादार जीवन बस सत्रह नाल सत्रह रला के पाक सैयदा दी दहलीज दे मौजाज सुना रहे हैं और युगल करना चाहना देखा है
सैयद उस दिहाड़े मैं शेर कोई ना पढ़िया जेड़ा हुण पढ़ रहा के बोलो है दरी देखा भाई क्या कह लें। अच्छा जी फिर पढ़ लें। देखा है अक्सर शिफाएं लेता भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुसी जियो मेहरबानी जी मेहरबानी। फिर पढ़ने लिया देखा है को हयाए लेता के अता को अताए लेता के अता को अताए लेता खुद मोहम्मद को तेरी चादर से आके अक्सर शिफाए ले। बड़े दावे दे नाल हर गल हर बंदे वास्ते नहीं ते हर बंदा हर गल वास्ते नहीं। मौला दी कसम चुनिया मजमा मेरे सामने कोई खुशामद नहीं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हो। एडा सोना मैं पढ़ नहीं रहा जितना खूबसूरत तुसी सुन रहे हो। मौला तुहानू मजीद अपनी मार्फत नसीब फरमावण। बिस्मिल्लाह करां शहीजादा अगली सत्र बड़ी अजीम इस तो बड़ी फजीलत दियां सत्र मेरे कोल कोई नहीं जड़ियां मैं हुण सुना रहा और युगल करना चाहना। देखा है
अजमत का यूं सबब करता है, मुर्तजा को तेरा अदब करता है, मुर्तजा को तेरा अदब करता है, रिज्क जो बांटता है दुनिया को उसको तुझसे गिजा तलब करता है। हाय हाय या अली, रिस्क जो बांटता है दुनिया को उसको तुझसे गिजा तलब करता। फिजा को जिंदगी भर इसी गम ने रुलाया है, क्यों सैयदा को सहाबी ने दरबार बुलाया है। फजाइल दे हिस्से दी नौकरी मुकम्मल, अयाम ने पाक सैयदा दे जाकरीन तो तुसी शहादत सुनी, मेरे दिल पाक सैयदा दा एक दुख सुनावा। बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने बैठन, ज़ईफ तो ज़ईफ मोमन होवे मौत दी दुआ सैयदा नहीं मंगदा। अल्लाह जाने मुसलमाना मेरी सहन नु दुख कितने दिते आन, बाबे दी कबर ते जाके हिको दुआ मंगदी है, बाबा दुआ मंग शाला धी दुनिया तो टुर वंजे। नबिया दे सुल्तान दी आवाज आंदी, मेरी धी मौत दी दुआ क्यों मंगदी आदि, बाबा मौत ना मंगा ते के मंगा, मैं तेंजे सरदार दी धी होके तेरे साहबियां के हक मंगदी रही हां। मोहम्मद दी हक मंगदी रही, मुसलमाना हक ना दिता। अरमान तिसे गल दा है, अली दी धी चादरा मंगदी रही, मुसलमाना चादरा ना दितियां। कोई ते औलाद आला बैठा उसी, हुसैन बादशाह दी धी पानी मंगदी रही, मुसलमाना पानी ना दिता। मौला दे जवार बैठो गल तुहाडे तो पुछदा, जौन जी अजादार जांदे जवारी ते, अगर पहली दफा कोई अजादार जावे मकामात तो चाचा जी वाकफ नहीं हुंदा, उत्थे जाके लोगों को लो पुछदा है फला मकाम कित्थों सी, फला मकाम कित्थों सी। मदीने भी अजादार जांदे हो सन, जाके पुछदे हो सन जो मोहम्मद दी धी दी कबर कित्थे। मैं बड़े यकीन नाल गल पे करदा, पूरे मदीने चो भाईजान इको जवाब आंदा सी, पूरे मदीने जिथे सब तो ज्यादा अंधेरा है उथा ही मोहम्मद दी धी दी कबर है। एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है, एक शहर का देखा गया मंजर अजीब है, बाबा है शहनशाह तो बेटी गरीब है। शाला दुनिया का कोई गम ना वेखो सिवाय गमे हुसैन। आधा पियां दो धिया प्यो दे गम दे विच, इंज रुनिया पार लाए गए रहियां रोंदिया कबर दे विच, जख्मी कुछ यो जै जुलम। आखरी मुकाने रसूल दी धी नूं मुकान दे लव्या, रोंदियां कबर दे विच जख्मी कुछ यो जै जुलम। आदपियां इक धियां पाक वो मोहम्मद दी, जेंदे पाक गवां झूठ लाए गए वो दूजी दी मजलूम हुसैन दी, आई जेंदे नीगर नूदुर। कदीमी अजादार बैठो, बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने बैठन, बुजुर्ग एक बैन कर दे उन्ने आन, आदपियां इस्लाम दे दो ओ दरबारा विच वो दो बीबियां रोंदियां रहियां, आदपियां एक धी आई नबी दी दूजी पाक अली दी, हण दोवे मावा। या सैयदा या सैयदा या सैयदा, बिस्मिल्लाह। आदपियां इस्लाम दे दो ओ दरबारा विच वो दो बीबियां रोंदियां रहियां, आदपियां एक धी आई नबी दी दूजी पाक अली दी, हण दोवे मावा।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਆਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਾਰ ਲੜੇਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਣ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਵੇਂ ਕਬਾਰ ਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਝੋਲੀ ਚਾਕ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਣਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਘਿਲ ਵਜੇ ਇਲਾਹੀ ਅਮੀਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਕੱਲੀ ਧੁੱਪ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦੀ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਭਾ ਬਲਦੀ ਹਾਏ ਉਸੇ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਰੋਂਦੀ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਰ ਮਾਤਮ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਵੇਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 18 ਬਿਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਗਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੋ ਵਕਾਰ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆਈ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਰਸੂਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਔਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੇ ਪੜਨਾ ਦਪੀਆਂ ਥੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਗਾਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਈ ਕਤਲ ਖਦੀਜਾ ਥਈਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠ ਬਤੂਲ ਜੜਾ ਬਹੁ ਦੇਰ ਤੜਪਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਹਾਤਮੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਛੜਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਆਈ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਅਲਗਵਾ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਆਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦੀ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਚਾਇਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਚਾਇਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਅਲਦਾ ਬਤੂਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਏ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਲਵਣ ਆਈਆਂ ਆਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਏ ਹੱਥ ਨਿਕਲੀਏ ਸਨਾ ਖਾਵਣ ਕੀਤੇ ਰਮਾਤਮ ਉਹ ਜਿਸ ਦਮ ਹਸਨੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਮਰ ਮਿਜ਼ਾ ਜਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇਣ ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੁਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਿੰਜ ਲੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਰਾ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਦਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਨਿਭਦੀ ਆਈ ਰੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਡੇਕ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਫਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
तुहाडी उम्मत यहां तू हो महसूलवा कर दे मातम जेड़े हल्के तो मातमी हो अलग माए रुन्ने मेरी सैन बाबे दुड़े क्या दिए की तिहा के मसना बीबी आदि बाबा इंज समझो हुसैन दिमक तल चो हो मैं वाले आई जख मातमे हुसैन अल्लाह नतुल्लाह अल्लाह